the first of all, when it is dynastic politics, he must know the meaning of that. Amit Shah's son is not in BJP, but his entire family is in Congress. So today, he slammed everything, but he doesn't know that he is the core reason of everything. So if a family, mother, father, grandfather, sister, brother, everybody is in politics and controlling a party, where he will see parallel to that? Can Rajnath Singh's son, who is just a MLA of UP, can he be compared with Priyanka Gandhi? Does he control Congress party? Does he control BJP? So it is called basically a very, very difficult mindset. He is a Brahmin or so-called Brahmin, and he asks reporter, who are you from the OBC? Why first you change yourself? You empower your own party, then you talk about others. You go out of Congress, you give it to a fresh people, then you talk about dynastic politics. He thought that BCCI is a BJP wing. So poor illiterate fellow, what he can say more? ये खबर उनको कुछ नहीं दिया तो मिजोरम में बीजेपी ने क्या किया जाके जैसे सार्स है ऐसे ही है हम यहाँ आके क्या किया कुछ माजुली को सेंस किया क्या ना कामाख्या मंदिर को सेंस किया ना डॉन बॉस्को को सेंस किया तो आप लोग भी राहुल गांधी का बात ज्यादा मत पूछिए एक अनपढ़ बच्चा है मैं तो इतना ही बोलता हूँ कि राहुल गांधी जी का पॉलिटिक्स का ऊपर कोई नॉलेज नहीं है अभी अभी भारत पाकिस्तान का गेम हुआ भारत ने जीता पाकिस्तान हारा इसलिए उन्होंने भारत टीम को ही कांग्रेचुलेट नहीं किया एक ट्वीट भी नहीं डाला पैलेस्टाइन और इजराइल में झगड़ा हुआ हमास ने बच्चा लोगों को किडनैप किया मार दिया एक बार भी कंडेम नहीं किया तो वो व्यक्ति से किसी को खास करके भारतीय लोगों को कोई आकांक्षा और आशा नहीं रखना चाहिए पाकिस्तान हार गया इसलिए आपका दिल दुख गया वो मैं नहीं बताऊंगा लेकिन कम से कम भारत जीत गया आपका आनंद होना चाहिए था आप एक भी ट्वीट भी नहीं किया लेकिन भारत का तमाम हिंदू मुसलमान लोगों ने ट्वीट किया सब लोगों ने अपने आप को सेलिब्रेशन किया लेकिन कांग्रेस का एक व्यक्ति का ट्वीट नहीं निकाला नहीं तो अगर रास्ता में कोई साइकिल एक्सीडेंट भी हो जाता है तो कांग्रेस का लुक ट्वीट करता है दैट मीन्स यू कैन इमेजिन दैट फॉर द वोट्स ऑफ बेसिकली ए पार्टिकुलर कम्युनिटी दे आर डूइंग मच मोर इवन दैट कम्युनिटी इज सेलिब्रेटिंग इंडियाज विक्टोरी बट राहुल गांधी इन फियर दैट देयर मे बी अ बैकलैश ही इज नॉट सेलिब्रेटिंग इंडियाज विक्टोरी Even genuine Muslim people are condemning Hamas terrorist activity, but Rahul Gandhi is not. Somebody has put in his mind that Telangana he may not get vote of Muslim. That is why he is trying to do all kind of appeasement. But I am sure all Indian Muslim are happy with India's win against Pakistan, except the Gandhi family.